नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड कॉइन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग गोल्ड कॉइन बाई करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों के माइंड में एक चीज होती है कि हम लोग जब गोल्ड कॉइन बाई करते हैं तो हम लोगों को एक बेनिफिट होता है कि हम लोगों को उसके ऊपर कुछ मेकिंग चार्ज पे नहीं करने होते हैं, और जब भी हम लोग जो है गोल्ड एक्सचेंज करेंगे या सेल करेंगे तो हम लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, होता इसके जस्ट उलट है कि हम लोग आज अगर मान के चलिए कोई गोल्ड कॉइन बाई करने के लिए गए हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को 3% जो है मिनिमम डाई चार्ज या फिर कहीं कहीं पे उसे मेकिंग चार्ज भी कहा जाता है वो देना पड़ता है, और साथ ही साथ में उसके ऊपर हम लोगों को जो है 3% GST भी पे करना पड़ता है। ये आपका 6% का इन्वेस्टमेंट के साथ में अभी जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट पे करनी पड़ी। अब होता क्या है, जब आप उसे सेल करने के लिए जाते हो तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब गोल्ड बाई करते हो तो उसका रेट अलग होता है, जब सेल करते हो उसका रेट अलग होता है। अब ऐसा ये होता क्यों है, उसका एक ही रीजन है कि मान के चलिए गोल्ड में इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो कोई यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि भाई आप आए गोल्ड का जो प्राइस है वो दिए और गोल्ड कॉइन दे दिए, तो ज्वेलर आपको फ्री में सर्विस देने के लिए तो नहीं बैठा है। इसके लिए जो है बाइंग और सेलिंग में एटलीस्ट जो है 3% का जो है डिफरेंस होता है। हो सकता है मैं मैक्सिमम भी बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे 2% भी होता होगा, लेकिन जो है बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस जरूर होता है। अब ये आप मान के चलिए कि आपने शुरू में 3% उस चीज के ऊपर जो है मेकिंग चार्ज दिए या फिर डाई चार्ज दिए, उसके बाद में आपने 3% GST दिया, हो गए 6%, और जब आप सेल करने के लिए या फिर उसको एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हो तो आपको फिर 3% मान के चलिए सेलिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका टोटल 9% जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आज 9% उसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा देना पड़ा। अब मान के चलिए कि आपने कोई उसके अगेंस्ट में ज्वेलरी बाई करने की सोची, तो ज्वेलरी भी जो है उसके ऊपर भी आपको जो है जो मेकिंग चार्ज तो है लगना ही लगना है। तो दोस्तों इसी के लिए जो गोल्ड कॉइन होता है वो बाई करना बहुत से टाइम पे सही नहीं होता। सही कब होता है कि मान के चलिए आपके पास कोई कैश लिक्विड में पड़ा है या फिर कैश पड़ा हुआ है, आपको साल दो साल के लिए उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के अलावा आपको लगता है कि कोई चीज जो है जिसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो आप जो है गोल्ड कॉइन बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 5 साल 8 साल 9 साल के लिए गोल्ड कॉइन बाई करना है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं दिया जाता, आपको एक बॉन्ड दे दिया जाता है और इसका एक यूनिट होता है, वो एक यूनिट जो है 1 ग्राम का होता है। अब आप 1 ग्राम बाई कीजिए या 100 ग्राम बाई कीजिए वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए कई बार 50 रुपए ग्राम 60 रुपए ग्राम ऐसा उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया जाता है। अब मान के चलिए आपने 1 ग्राम का जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई कर लिया या फिर 10 ग्राम का आप एग्जाम्पल मान के चलिए, तो 10 ग्राम का आपने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई किया और अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 50,000 रुपए का गोल्ड का आज का रेट है, तो इसके ऊपर आप लोगों को 2 से लेकर 2.5% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि या फिर आप बोल सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक 2 से 2.5% का इंटरेस्ट देती है। साथ ही साथ में उस टाइम पे जिस टाइम पे आप ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेल करोगे उस टाइम पे आप लोगों को जो है जो उस टाइम का गोल्ड का रेट है वो आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है। यानी कि आप जो गोल्ड कॉइन बाय करने के लिए 9% तक का एक्सपेंस एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार थे वो आप लोगों को नहीं देना है, और साथ ही साथ में 2 से 2.5% का आप लोगों को ब्याज भी मिल रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लेके 5 साल से लेके 8 साल के लिए ये चीज करना चाहते हो तो ये बेस्ट है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड जो है 8 साल की है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ इमरजेंसी तो आप इसको 5 साल में भी रिडीम कर सकते हो। अब ये रिडीम कैसे कर सकते हो, ये रिडीम कर सकते हो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेल करने के लिए भी और बाई करने के लिए भी। अब डीमैट अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा, इस पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप बाई कहाँ से कर सकते हो। आप अपने बैंक से बाई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस से बाई कर सकते हो, या फिर आपका जो है शेयर ब्रोकर का एक ऐप आता है, जो अलग अलग ऐप्स आते हैं वहां से भी आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप 5 साल के अंदर गोल्ड का कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो गोल्ड कॉइन के थ्रू
तो 5 साल के अंदर ऐसा तो होता नहीं कि आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो डबल हो जाए। अगर आपको 5 साल से ज्यादा गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, ये मेरा आपसे कहना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो यूट्यूब से रिलेटेड सारी रस्में जो रिवाजे हैं जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये सारी कर दीजिएगा। एक बार मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छी जानकारी लेके जरूर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।